आज नगर राहतगढ़ के युवक कांग्रेस के नेतृत्व में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर पेट्रोल पंप पर विरोध प्रदर्शन किया गया और मिठाई खिलाकर और फूल देकर जागरूक किया और भाजपा को वोट देकर सरकार बनाने की बधाई भी दी। इस मौके पर युवा कांग्रेस नेता वसीम खान ने कहा है, कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन में वैसे ही लोग बहुत परेशान हैं, दो वक्त की रोटी मुश्किल से खा पा रहे हैं, ऊपर से डीजल रसोई गैस के लगातार बढ़ते दामों से जनता बहुत परेशान हो गई है, आम आदमी को अपना जीवन जीना मुश्किल हो गया है, अति का अंत अब निश्चित है, भाजपा सरकार का आखिरी वक्त आ गया है। इस मौके पर युवा कांग्रेस कार्यकर्ता सहित सभी युवक कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राहतगढ़ से सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो श्रीनिवासन जी, उनके निर्देश अनुसार आज पूरे भारत में हर विधानसभा स्तर पर हम लोगों ने विरोध किया है। जो ये मोदी सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ाया जा रहा है, इससे आम जनता बहुत परेशान है। और जो अभी लॉकडाउन की वजह से लोग, गरीब लोग वैसे ही परेशान थे, मध्यम वर्ग भी परेशान है, और ऊपर से जो 103 रुपए लीटर आज हमारे घर पेट्रोल है, अब आप ये बताएं कि रोज़ कमाने खाने वाला आदमी, आम आदमी कैसे 103 रुपए लीटर का पेट्रोल डलवाएगा, कैसे अपना जनजीवन व्यतीत करेगा। इसलिए हम लोग इसका विरोध आज हर विधानसभा स्तर पर कर रहे हैं, और हम लोगों ने लोगों को बधाई दी है फूल लेकर और मिठाई देकर के, आपने जो भाजपा सरकार को वोट की थी, आज उसका नतीजा है जे तो पेट्रोल के दाम आपको 103 रुपये लीटर मिल रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधा मिल नहीं रही, लोग मर रहे हैं, लाशों को नदियों में बहाया जा रहा है, लोग भूख से मर रहे हैं, प्रशासन की और सरकार की कोई भी टीम उन तक नहीं पहुँच रही है। हम लोग घर घर जाकर राशन हर चीज़ वितरित कर रही है हम लोगों ने लॉकडाउन में भी, तो ये भ्रष्टाचार जो है जो बढ़ चुका है बहुत, अब इन गाती का अंत है, जो भाजपा सरकार का अंत आ गया है, ये अंत जब इंसान का आता है जब। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।